हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आज हम लाए हैं ओला S1 एयर का फुल परफॉर्मेंस दोस्तों 15 दिन के बाद, यानी कि पूरी 15 दिन मैंने अपनी गाड़ी चलाई है। उसके बाद जो जो कमियां हैं, जो जो अच्छाई हैं, उन सब की आज मैं पूरी बात आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और 15 दिन में दोस्तों मैंने इसका रेंज टेस्ट भी बना लिया है, नॉर्मल रेंज पर भी और इको मोड पर भी। तो दोनों के रेंज टेस्ट के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। और तीनों मोड पर इसकी टॉप स्पीड क्या रहने वाली है उसकी बात भी हम इसी पे कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से कि मुझे ये गाड़ी कितने की पड़ी है, एक्स शोरूम में कितने की थी और ऑन रोड कितने की पड़ी है। तो दोस्त मुझे जो गाड़ी ऑन रोड पड़ी है वो है 119,725 रुपए की। मुझे ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। अब चलते हैं कि उस टाइम कंपनी अपनी साइट पर क्या दिखा रही थी और अब कंपनी अपनी साइट पर क्या दिखा रही है। तो फ्रेंड्स उस टाइम कंपनी ने क्लेम किया था कि हम तीन अलग अलग प्रकार की रेंज निकालेंगे और तीन अलग प्रकार की बैटरी कैपेसिटी निकालेंगे, बट फाइनली उन्होंने सिर्फ एक ही बैटरी कैपेसिटी निकाली फ्रेंड्स और उसी को सबको सौंप दिया। यानी कि मैंने इससे ऊपर वाली बैटरी कैपेसिटी के लिए बुक कर रखी थी ओला, बट बीच में एक मैसेज आया क्योंकि दोस्तों मैंने मार्च में ही बुक कर दी थी, तो मैंने कम से कम 8 महीने पहले अपनी ओला बुक कर दी थी, बट बीच में मैसेज आता है कि आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है ओला S1 एयर लेने का जो कि अब निकला है। तो फ्रेंड्स फिर मुझे वही ऑप्शन चूज़ करना पड़ा। तो फाइनली मुझे 119,725 रुपये की एक गाड़ी पड़ी। डिलीवरी में थोड़ी बहुत लेट हुई है फ्रेंड्स। बहुत सारे बंदों का सवाल है कि ओला ऐप में दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी ऑन द वे है बट गाड़ी अब तक आई नहीं है और डीलर कह रहा है आज आ जाएगी कल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उसका जवाब यही है कि गाड़ी जब वहाँ से फुल्ली फाइनल रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब आपका नंबर भी आ जाएगा मैसेज, उसके 5 से 6 दिन में आपकी गाड़ी आएगी। तो जब तक आपके पास अपनी ओला S1 एयर का खुद का नंबर प्लेट का नंबर ना आए, तब तक आप मत मानिएगा कि गाड़ी आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। और नंबर प्लेट दोस्तों टेक्स्ट मैसेज में आएगा, ना कि आपके घर पे डिलीवर्ड होगा। तो टेक्स्ट मैसेज जब तक नंबर का ना आए, तब तक आप मत मानिएगा कि आपकी गाड़ी डिलीवर्ड हो जाएगी। तो ये कई बंदों का यूट्यूब पर सवाल था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब चलते हैं कि डिलीवरी के बाद परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट 1 मंथ जो कि हमारी इंजीनियर से बात हुई है, ओला के इंजीनियर से ही बात हुई है, तो पहले 1 महीने गाड़ी बहुत कम रेंज प्रोवाइड करती है। यानी कि इस टाइम अगर आप वेबसाइट का, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो कंपनी क्लेम कर रही है 151 किलोमीटर की रेंज ओला S1 एयर की। तो फ्रेंड्स इस रेंज को भूल जाइए। जो हमने इको मोड पर रेंज टेस्ट किया है उसमें हमें सिर्फ 106 किलोमीटर की रेंज मिली है दोस्तों फुल चार्ज पर गाड़ी की। तो कहाँ 151 और कहाँ 106, और नॉर्मल मोड पर तो फ्रेंड्स 84 किलोमीटर की हमें रेंज मिली है। दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने खुद से इन दोनों का रेंज टेस्ट बनाया है। तो भूल जाइए दोस्तों कि आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। और फ्रेंड्स इसके स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी की जो बैटरी है वो चुटकियों में ख़त्म होती है, बट इसके स्पोर्ट्स मोड पर जो आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी वो 91 किलोमीटर की मिल जाएगी दोस्तों। टॉप स्पीड गजब की है बट बैटरी बहुत तेज़ ख़त्म होती है। स्पोर्ट्स मोड पर भी मैं बहुत जल्दी रेंज टेस्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इको मोड पर एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है। इको मोड पर जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी वो 42 किलोमीटर पर आर की मिलने वाली है दोस्तों। एक्सेलरेशन भी थोड़ा कम है। इसका जो सबसे बेस्ट मोड लगा है दोस्तों मुझे वो है नॉर्मल मोड, क्योंकि नॉर्मल मोड पे एक्सेलरेशन भी अच्छा है, टॉप स्पीड आपको पूरी 70 किलोमीटर पर आर की मिल जाएगी जो कि सिटी के लिए भी और हाईवे के लिए भी बेस्ट है दोस्तों। और नॉर्मल मोड पे आपको किसी प्रकार के सोचने की जरूरत नहीं है, बट आप मानकर चलिए नॉर्मल मोड पे आपको जो रेंज मिलेगी दोस्तों वो आपको 84 की मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा तमीज़ से चलाएंगे तो 85 की आपको रेंज मिल जाएगी फुल चार्ज पर। और फ्रेंड्स एक जो समस्या मुझे इस गाड़ी के साथ आ रही है वो यही आ रही है, सिर्फ अगर मैं अपनी गाड़ी को रात को 10 बजे मान लीजिए फुल 100% चार्ज करके चार्जर हटा देता हूँ तो सुबह मेरी गाड़ी 2% चार्जिंग कम मिलती है। अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ ही आ रही है या औरों के साथ भी आ रही है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ओला S1 एयर है या फिर ओला से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि सब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो। उसके साथ साथ एक्सेलरेशन नॉर्मल मोड में जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी शानदार एक्सेलरेशन है। चलिए बिल्ट अप क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि मटेरियल कैसा है, सीट कैसी है और जो पूरा ओवरऑल बिल्टअप है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स मटेरियल अच्छा है, जैसे कि मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में
बहुत सारी आवाज़ें सुनी, यानी कि एक महीने के अंदर ही उनके शॉकर्स में से आवाज़ें आने लगती हैं और कुछ पार्ट जो कि बहुत बेकार मटेरियल से बने हैं वो फिर हिलने लग जाते हैं, उनमें आवाज़ आने लगती है। बट ओला S1 एयर में मुझे अब तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई है, सब एकदम बेहतरीन चल रहा है। शॉकर बहुत अच्छे हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो फ्रंट के हैं जो इन्होंने चेंज किए हैं सिर्फ ओला S1 एयर में ही आए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाड़ी में बैठकर बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। मैंने इससे बहुत लंबा डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यानी कि थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। तो बिल्ट अप क्वालिटी भी दोस्तों अच्छी है, और सबसे जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगी दोस्तों वो है इसका बूट स्पेस। तो बहुत ही शानदार बूट स्पेस है, दो हेलमेट, घर का सामान, सब्जी वगैरह, बड़े बैग, सब आराम से इसमें आ जाता है। तो बूट स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बट उसमें आपको एक डिसएडवांटेज मिल सकता है कि आपकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है, यानी कि आप डिटैच नहीं कर सकते अपनी बैटरी को, आपको पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को ही ले जाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। तो जो बहुत ही कंजेस्टेड सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली वगैरह या मुंबई वगैरह, जिनमें एक फ्लैट में ही 10-10 फैमिली रहती हैं, तो फ्रेंड्स उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है ओला की कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए, क्योंकि अगर डिटैचेबल बैटरी होती है तो कोई अपनी बैटरी को निकाल कर कोई भी कहीं भी चार्ज कर सकता है, बट इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। बट उसका एडवांटेज ये है कि इनमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एक महीने बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि ओला S1 एयर के इंजीनियर ने मुझे बताया था कि एक महीने बाद आपके जो बैटरी के सेल हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा और बैटरी आपको जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक महीने बाद मैं इसका दोबारा से रेंज टेस्ट करूंगा, नॉर्मल मोड पर भी और इको मोड पर भी। तो अगर आपको उस रेंज टेस्ट को भी जानना है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी कह रही है वो बात सच भी है या फिर कंपनी सिर्फ हमें भ्रम फैलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी की एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी की जो सबसे बेहतरीन एडवांटेज है वो इसकी खूबसूरती है दोस्तों, फ्रंट लुक, इसकी डिस्प्ले और इसके कम्फर्ट, तीनों का ही कमाल है दोस्तों। डिस्प्ले इतनी प्यारी है कि आप चलाएंगे तो आपको एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक आता है, और फ्रेंड्स फ्रंट लुक ऐसा कोई बंदा नहीं जो पलट के ना देखे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ओला अभी बहुत कम चल रही है, तो फ्रंट लुक बहुत ही प्यारा लगता है। मेरे पास दोस्तों लिक्विड सिल्वर है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो लिक्विड सिल्वर बहुत ही प्यारा कलर, मुझे बहुत ही जेन्युइन कलर लगा है। एक ऑफिस यूज़ के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, यानी कि एज अ स्टूडेंट भी आप इसको रख सकते हैं, और एज अ प्रोफेशनल अगर आपकी लाइफ है तब भी आप इस कलर को ले सकते हैं। कम्फर्ट के मामले में जैसे कि मैंने बात की दोस्तों, आप आराम से बहुत ही प्यार से सीट, इसकी बहुत ही प्यारी सीट है दोस्तों, इतनी कंफर्टेबल सीट है कि आप कई 100 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसका फ्रंट लुक, इसकी सीट, इसकी डिस्प्ले तीनों ही कमाल की हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक ओवरव्यू कि अब तक यानी कि 15 दिन के रिव्यू के बाद मुझे क्या क्या कमियाँ नज़र आई और क्या कंपनी क्लेम कर रही है और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो फ्रेंड्स एक ही प्रॉब्लम आई कि अगर मैं 100% चार्ज करता हूँ तो गाड़ी सुबह 1-2% कम मिलती है, यही सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम आई, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ्रेंड्स। और जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही थी वो रेंज नहीं मिल पा रही है, बस यही दो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको ओला S1 एयर या फिर ओला से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है तो फ्रेंड्स आप उसके लिए जा सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा एक महीना पूरा होने वाला है दोस्तों। तो पूरे एक महीने बाद मैं इसके दोनों इको मोड एंड नॉर्मल मोड पे रेंज टेस्ट बनाने वाला हूं दोस्तों, और मैंने इसकी स्पोर्ट्स मोड की टॉप स्पीड का भी एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डाउट है कि ये स्पोर्ट्स मोड पे कितनी टॉप स्पीड देता है तो वो डाउट भी आपका इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। 91 किलोमीटर की टॉप स्पीड मुझे बहुत ईजिली अचीव हो गई थी, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो फ्रेंड्स कंपनी ने 95 किलोमीटर की टॉप स्पीड अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, बट मुझे 91 की ही अचीव हुई है। तो फ्रेंड्स ये था ओला S1 एयर को लेकर पूरा ओवरऑल रिव्यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है ओला S1 एयर को लेकर तो फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे ओला S1 एयर की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।